नमस्कार दोस्तों, इंडिया आई क्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर लोग हमारे वीडियो पर कमेंट करके पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है और उस अपमान से किसी को ज्यादा दुख होता है तो उसकी क्या सजा होती है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको आईपीसी की धारा 504 और आईपीसी की धारा 506 के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 504 के बारे में। देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाने के इरादे से उसका अपमान किया जाता है, यानी कि आप उसका अपमान इसलिए करें ताकि वो उस उकसावे में आकर के कोई ना कोई क्राइम कर ले, कोई अपराध कर ले, तो अगर अपमान से दुखी होकर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपमान करने वाले व्यक्ति पर धारा 504 लगेगी और ऐसा अपराध करने पर 2 साल तक की आपको सजा भी हो सकती। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 506 की। अगर कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाने की धमकी देता है कि जैसे मैं तुम्हारा घर जला लूंगा, कोई संपत्ति जला लूंगा, तुम्हें मार दूंगा, जो भी कर लूंगा, या किसी औरत की इज्जत पर लांछन लगाया जाता है, तो ऐसे अपराध की धमकी देना जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा हो, यानी कि आप जैसे किसी को मारने की धमकी दे रहे, तो अगर किसी की हत्या की धमकी दे रहे हैं तो हत्या में धारा 302 के तहत उम्र कैद या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है। यानी कि आप किसी ऐसे अपराध की धमकी दे रहे हैं जिस अपराध की सजा 7 साल या उससे ज्यादा हो। ध्यान रखना, आप अपराध की धमकी दे रहे हैं, वो अपराध नहीं कर रहे हैं, अपराध की धमकी दे रहे हैं जिस अपराध की सजा 7 साल से ज्यादा हो, तो आपको उस धमकी देने की वजह से आपके ऊपर आईपीसी सेक्शन 506 लगेगा और ऐसा अपराध करने पर आपको 7 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन खास बात यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में जब आपको कोई धमकी दे रहा हो तो आपको ज्यादा गवाहों की जरूरत नहीं रहती है, बशर्ते आपको कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति में आप पर आपको गंभीर हानि पहुंचाने की सजा दी है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर आप ऐसे ही वीडियो कानून से जुड़े और देश के संविधान से जुड़े वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंडिया आईक्यू को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।